पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आलोक शर्मा ने मांग की कि गुमास्ता कानून लागू किया जाए। भोपाल में आलोक शर्मा ने बताया कि पुराने शहर में रात भर दुकान खुली रहती है, जिससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है। बच्चे जुआ खेल रहे हैं, चरस गांजा पी रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। आज भोपाल कलेक्टर से उन्होंने मांग की है कि रात में 11 बजे बंद हो पुराने शहर का मार्केट। पूर्व महापौर आलोक शर्मा के साथ ज्ञापन देने उत्तर विधानसभा से सभी भाजपा पार्षद और कार्यकर्ता महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विजय अहिरवार भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, छोला विश्राम घाट में रहते हैं। पिछले दिनों वहाँ कुछ असामाजिक तत्व हैं, गुंडे हैं, जिनका थाने में रिकॉर्ड है। उन्होंने विजय अहिरवार ये हमारे पास खड़े हुए हैं, इनके साथ मारपीट की थी कि यहाँ गणेश जी की झांकी नहीं बिठाएं। अगर गणेश जी की झांकी आप बिठाएंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, हमला करेंगे। गणेश जी की झांकी में भी तोड़फोड़ की थी, रात को तोड़फोड़ भी की, उसकी भी कंप्लेंट की थी, पर पुलिस ने बयान वगैरह लेके उसको इतिश्री समझा। हमको आशंका थी कि हमारे विजय अहिरवार पे कभी भी हमला हो सकता है। इरफान बच्चा भोपाल का नामी ग्रामी गुंडा, कई थानों के अंदर मुकदमे थे, हिस्ट्री सीटर बदमाश, कई बार जुलूस भी निकले भोपाल में। उसका इंतकाल जरूर हो गया, परंतु उस काम को, उसका बेटा है सोनू बच्चा, उसने अख्तियार किया है और हमारे कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया है। जब पुलिस में इसकी रिपोर्ट की लाई गई तो साधारण धारा में गौतम नगर पुलिस ने 324, 294, 506 का मुकदमा दर्ज किया है। इसको लेकर मुझे नाराजगी थी कि भाई कम से कम चेहरे के ऊपर बार हुआ 307 लगना चाहिए। और पुलिस कमिश्नर जी से आज हम मिले हैं, उनको बताया और उन्होंने इस मामले को काफ़ी गंभीरता के साथ संज्ञान लिया है और मुझको आश्वस्त किया कि हम धारा 370 लगाएंगे। मैंने 307 लगाएंगे, धारा 307 उसके ऊपर लगेगी। मैंने पुलिस कमिश्नर जी से ये निवेदन भी किया है कि अगर ऐसे अपराधी लोग हैं, अगर इनके ऊपर एक से अधिक मुकदमे हैं और ये मान नहीं रहे हैं, तो इनके यहाँ भी बुलडोजर चलना चाहिए, सख्त से सख्त इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मुख्य तौर पर आतंक अपराधियों को लेकर के पुलिस काफ़ी गंभीरता से काम करती रहती है और ऐसी कड़ी में देखा कि कई ऐसे अपराधी हैं जो कई बार पुलिस के रडार से बचने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अपराधों को करते हैं। इस कड़ी में पुलिस ने उनकी जमानतों को निरस्त कराने के लिए इसमें लगातार प्रयास शुरू किया है कि लिस्टिंग की जा रही विभिन्न थाना क्षेत्रों में। इस बारे में कल सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की गई और सभी जो अपराधी हैं उनके आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार समीक्षा की जा रही है और साथ ही साथ उनके पुराने जो आतंक अपराधी हैं उनके पुराने मामलों में इसको जमानत निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हालांकि पुलिस समान तौर पर जब अपराधी अगर कोई पकड़ा जाता है किसी अपराध और उसके बारे में न्यायालय में जो जानकारी आती है उसमें अनिवार्य किया गया है कि उसकी पुराना जो आपराधिक रिकॉर्ड हो वो उस डायरी के साथ में जाए और साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को जमानत मिलती है उसमें विभिन्न जो बंद हैं विभिन्न अलग अलग जो शर्तें हैं उसमें एक शर्त यह भी रहती है कि अगर कोई दूसरा अपराध करता है तो समय उसकी जमानत निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस प्रक्रिया का भी पालन कराने के लिए पुलिस को अलग अलग बातों अलग अलग विधों पर चर्चा की गई। उन्होंने गौतम नगर थाने का एक एफआईआर का जिक्र किया है जिसमें उनका कहना है कि एक इस घटना में धारा का सही उपयोग नहीं हुआ है, एफएससी की धारा का। उन्होंने डीसीपी को लिखा है कि उसमें धाराओं का एक बार पुनरीक्षण करें और सही धाराओं का समावेश करें। हाँ, दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसमें उन्होंने पुराने भोपाल के कुछ क्षेत्रों में जिस तरह से शहर के दूसरे हिस्सों में 10 बजे के आसपास दुकानें बंद हो जाती हैं उसी स्थिति को वहाँ भी लागू करने के लिए उन्होंने एक आवेदन दिया है और एक डेलीगेशन आया था जिसमें इस बात का जिक्र करते हुए ज्ञापन दिया। इसमें चूँकि गुमास्ता एक संबंधित विभाग दूसरे विभागों के द्वारा जारी किया जाता है तो एक संबंधित बैठक में इस पूरे बिंदु पर चर्चा करें गंभीरता से इस पर विचार किया। उसमें अलग समय सीमा उसमें तय कर सकती है स्थानीय व्यवस्था के द्वारा। पूर्व में उसमें क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में उसमें समय सीमा अलग तय की गई है उस मुद्दे को लेकर के पूरे शहर में एक ही समय में सभी जगह दुकानें बंद होनी चाहिए, इस मुद्दे को लेकर।
शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ शहर के हिस्सों में जो रात की दुकानें चलती हैं और उसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, तो इस संबंध में जो भी नियम है उनका अध्ययन करके और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा करके जो भी कानून सम्मत कदम उठाने होंगे उनको उठाया जाए। और देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार हमारी कार्रवाई जारी, कल भी हम लोगों ने कार्रवाई करी थी, और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं कि जो इस प्रकार के अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध पहले से पेंडिंग है और जो जमानत पर छूटे हुए हैं उनकी जमानत निरस्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए, इस संबंध में कल सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और जो हमारे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है, ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनकी जमानत निरस्त हो, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कल भी जो घर तोड़ने कार्रवाई हुई थी उससे संबंधित जो अपराधी हैं उनके लिए भी उनकी जमानत निरस्त करने संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। या फिर मछली की और लाउड स्पीकर को लेकर आप लोगों ने जो बैठक की है उसमें क्या क्या हुआ है, क्या कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जहां से जा रहे हैं लड़के की दुकानें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, शासन ने जो निर्देश निकाले हैं, पहले के जो आदेश थे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनका कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं, और दोनों ही आदेश अगर जन सुरक्षा की दृष्टि से देखें या जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें बहुत ही उपयुक्त हैं। कल हमारी जो बैठकें हुई हैं सभी धर्मगुरुओं के साथ भी, तो उनके सभी के द्वारा भी कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया, उनके द्वारा 7 दिन का समय मांगा गया है कि जिसमें कि सारे कानूनों का उनके द्वारा पालन कर लिया जाएगा और 7 दिन बाद फिर हमें एक बार टीम भेजकर उसकी जांच करानी है। इसी तरीके से जो खुले में मांस बिकता है उसके संबंधित जो विक्रेताओं की एसोसिएशन है उसके साथ भी हमारी बैठक हुई, उनको भी इस संबंध में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके द्वारा भी 7 दिन का अवसर मांगा गया है। 7 दिनों के अंदर उनके द्वारा सभी ऐसे स्थानों पर जो अपारदर्शी कांच होता है उसको लगाकर जो भी नियम है उनका पालन कर लिया जाएगा। 7 दिन बाद हमारी जो दोनों टीमें हैं, नगर निगम की टीमें हैं और दूसरी तरफ जो हमारी पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की टीमें हैं, दोनों के संबंध में जांच करेंगे और कहीं पर अगर वायलेशन पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ जगह क्या चिन्हित हुई